हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों से इनके मन में यही चल रहा है कि ये आपको अप्रोच करें। आपके पर्सन देखिए आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये नज़र बनाकर आप पर रख रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ऐसा है कि इनका ध्यान अभी आप ही की तरफ है, क्योंकि ऐसा है कि ये जो आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं से तो ये आपको देख रहे हैं, आप पर नज़र इनकी बनी हुई है। तो ये क्या हो रहा है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और इनके दिमाग में यही चल रहा है कि इनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, अब ये आपसे दूर नहीं रह सकते। जो पास्ट में आपका रिश्ता रहा है गाइस, जो समय अच्छा रहा उसको ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और उस वजह से भी इनको लगता है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। अब ये दोबारा आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ पहले की तरह हो जाए। जैसे पहले आप एक दूसरे को समझ रहे थे, प्यार दे रहे थे, एक दूसरे की केयर कर रहे थे, फिर से सब कुछ वैसा ही हो जाए। हो सकता है गाइस कि आप में कुछ बदलाव तो आया है, आपने खुद पर काम किया है, अपनी फिटनेस वगैरह पर आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दे रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि इनकी नज़र आप पर है और कुछ तो ये आप में देख रहे हैं, कुछ तो परिवर्तन नज़र आ रहा है जिसकी वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये भी बात है। क्योंकि पहले तो ये इंसान आपसे दूर भाग रहा था, तो आप में कुछ ना कुछ बदलाव आया है, आपने खुद पर काम किया है जिसकी वजह से अब ये इंसान आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं। पास्ट में तो बहुत लोगों से डर लिया, परिवार से, समाज से, सबसे, थर्ड पार्टी से, और अब ऐसा है कि अब ये रिस्क लेना चाहते हैं बिना डर के, बिना किसी के बारे में सोचे। अब यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि सब कुछ जैसे पहले आप रिश्ते में आए तो शुरुआत में सब कुछ कैसा था वैसे ही फिर से शुरू होने वाला है। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है इस रिश्ते में उसी तरह से फिर से सब कुछ शुरुआत से ही शुरू होगा। पहले ही आप दोनों पहले मिल चुके हैं, रिश्ता पुराना है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि जो आपके रिश्ते में पहले जो हुआ आपको पता होगा कैसे शुरुआत हुई थी, यहाँ पर फिर से वही होने वाला है। अब आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी हो चुके हैं। अभी कुछ टाइम से तो ऐसा था इनका ध्यान जिम्मेदारियों में था, उलझे हुए थे, क्योंकि अब समस्या तो इनके साथ बहुत सारी है तो उन्हीं में उलझे थे, अपने बारे में नहीं सोचना है, कुछ रोमांस वोमांस कुछ नहीं, लव अब सब छोड़कर बस जिम्मेदारियों को पूरा करने में ये लगे थे। पर अभी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन रोमांटिक भी हो रहे हैं, आप में आपके पर्सन इंटरेस्टेड हैं। और देखिए आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है वही बात है, आपने खुद पर यहाँ पर काम किया है, भले ही आपको लगता होगा कि आप में तो कुछ बदलाव नहीं आया, आप तो वैसे ही हैं जैसे पहले दिखते थे, ऐसे ही दिख रहे हैं, कुछ तो परिवर्तन नहीं आया, लेकिन आपके पर्सन को आप में परिवर्तन नज़र आ रहा है। अभी हाल ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपके साथ शादी चाहते हैं। कल तक आप ये सब चाह रहे थे लेकिन वो इंसान इन सब से दूर भाग रहा था, आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहता था, अब वो खुद आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है और आपसे शादी के लिए वो बात भी करना चाहते हैं। आपके साथ वो फ्यूचर देख रहे हैं, चाह रहे हैं कि बस किसी भी तरह आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं और फिर बस सब कुछ वो सही करेंगे और एक हैप्पी फैमिली आपके साथ उनको चाहिए। देखिए बात ऐसी है गाइस कि आपसे अलग रहकर बहुत कुछ अनुभव आपके पर्सन को मिला है, जिन भी लोगों के साथ रहे होंगे, थर्ड पार्टी हो, जो भी हो, अनुभव तो यहाँ इस इंसान को मिला है। और अब ऐसा है कि समझ में आ गया कि कौन कैसा होता है और आप उनके लिए कैसे थे, ठीक है, जिनके साथ भी रहे वो लोग कैसे हैं ये वो समझ गए, आप उनके साथ कैसे रहे वो भी वो जानते हैं। अब यहाँ पर इस इंसान को एक ही बात समझ में आई कि आप ही इनके सब कुछ हैं, आपने जो इनके लिए किया दुनिया में कोई नहीं कर सकता,
आप हमेशा इनके लिए लॉयल रहे, आपने आपकी कदर इन्होंने नहीं की है, लेकिन आप ऐसा है कि कभी इनका साथ नहीं छोड़े, कभी इनके साथ विश्वासघात नहीं किया, हमेशा आपको जैसे भी ये हैं आपको पसंद थे, इनमें चाहे लाख बुराइयां हैं फिर भी ये इंसान आपको पसंद था, आपको यही अपनी लाइफ में चाहिए था, गलती इन्होंने की, आपका साथ छोड़कर गए हैं। अब इन सब चीज़ों को ये समझ गए हैं, गलत लोगों के साथ भी ये रहे, तो वही बात है, मैंने पहले ही कहा कि अनुभव इनको मिला है, जिसकी वजह से अब इस इंसान को ऐसा है कि समझ में आ गया कि आप इनको समझते हैं, आप इनकी केयर करेंगे, आप इनको प्यार देंगे, आपके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए अब यह इंसान कमिटमेंट देने के बारे में भी सोच रहे हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पर कितना परिवर्तन आया है आपके पर्सन में। अब ये कल तक तो अपनी गलती ही नहीं मान रहे थे कि इन्होंने आपको हर्ट किया, आपका साथ छोड़ा है, आपको धोखा दिया है। आज ये हालत है कि ये इंसान आपको आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपको सॉरी बोलना चाहता है, अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, और वही बात है कि आपके साथ रिश्ता दोबारा से जोड़ना चाहते हैं। अब ये सब परिवर्तन आपके पर्सन में इसीलिए आया क्योंकि आपने खुद में काम किया है। आप जब तक खुद पे काम नहीं करेंगे, आपके पर्सन में ये परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी भी कुछ लोग ऐसे ही हैं जो अपने पर्सन के लिए परेशान हैं, उनको चेस कर रहे हैं, खुद पर काम करने के बजाय वो उनके पीछे भाग रहे हैं, उनको लगता है कि ऐसा करने से वो अपने पर्सन को वापस अपनी लाइफ में ले आएंगे, पर ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। आप जितना उनको चेस करेंगे वो उतना ही दूर भागेंगे। और जिन लोगों ने खुद पर काम किया है, जिन्होंने बिल्कुल लेट गो किया है और सेल्फ लव किया है, अपने में बिजी हैं, देखिए उनके पर्सन की ही ये एनर्जी है कि अब वो उनको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, उनके साथ शादी चाहते हैं। कल तक जो इंसान दूर भाग रहा था, आज खुद पर आपने काम किया तो वो इंसान अब आपके पीछे भाग रहा है, किसी तरह से चाहता है कि आप उससे एक बार बात कर लें, किसी तरह से आपको मना ले, आपसे माफ़ी मांग ले। तो यही कारण है, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सेल्फ लव कीजिए, लेट गो कीजिए और सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। आप अपने कंट्रोल में कुछ भी रख लेंगे तो सब सही हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा कुछ भी सही होने वाला नहीं है, तो ऊपर वाले पर विश्वास रखना होगा और सरेंडर करना होगा, लेट गो करना होगा और खुद पर काम करना शुरू करना होगा। तो फिर आपके पर्सन की एनर्जी यही रहने वाली है कि वो खुद आपके पीछे भागेंगे, आप जो चाहते रहे हैं कमिटमेंट वो आपको नहीं देते थे, अब वो भी आपको मिलने वाला है। अभी तक आपके पर्सन के सोच में ये था गाइस कि वो तो आपके बिना अच्छी लाइफ जी सकते हैं, आपके होने ना होने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और उन्होंने ऐसा ही दिखावा भी किया है कि उनके साथ सब बढ़िया है, आपसे अलग होकर कोई दुख नहीं है उनको, लेकिन देखिए कुछ भी सही उनके साथ था ही नहीं। ये बात उनके साथ हमेशा से रही कि कुछ भी सही उनके साथ नहीं था, वो भले ही सोच रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, आपके बिना भी लाइफ अच्छी चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस वजह से आज उस इंसान में परिवर्तन आया भी है, वो समझ गए कि उसे कितना भी प्रयास कर लें कुछ भी सही नहीं हो सकता जब तक आप उनके साथ नहीं रहेंगे। और देखिए, आपके पर्सन ने पास्ट में समझौता बहुत किया, कॉम्प्रोमाइज़ इस इंसान ने बहुत ज़्यादा किया है, आपके लिए तो नहीं किया है लेकिन जिन लोगों के साथ ये रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर समझौता इन्होंने किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया कि किसी तरह से सब कुछ सही चले इनकी लाइफ में और उन्हीं लोगों के साथ इनकी लाइफ अच्छी कटे, लेकिन कुछ भी सही नहीं कर पाए हैं, जितना भी प्रयास किया है कुछ भी ठीक हुआ नहीं है, और इसीलिए इनको अकल आई कि आपके बिना कुछ भी सही नहीं हो सकता, आपका साथ इनके लिए ज़रूरी है। पास्ट में आपके पर्सन ने आपको धोखा तो दिया है, किसी और को वक्त दे रहे थे, किसी और के साथ ये रिश्ते में भी आ गए और आपको इस बात की खबर तक नहीं थी, धोखा यहाँ पर आपके साथ हुआ है, आपका साथ अचानक ही ये छोड़ कर गए हैं। और देखिए, इन्होंने जो सोचा था उस इंसान के बारे में कि वो इनका साथ देगा, वो इंसान वैसा था ही नहीं, वो भी इंसान मतलब से ही इनके साथ जुड़ा हुआ था, और बाद में इस चीज़ की समझ आपके पर्सन में आई है। उस समय तो उनको सब सही लगा, इसी वजह से वो आपको धोखा दिए हैं, उस इंसान को वो सही समझ रहे थे, लेकिन बाद में उसकी असलियत जब इनके सामने आई कि वो भी मतलब से ही इनके साथ जुड़ा है, बिना मतलब कि वो इनके साथ नहीं जुड़ा, कोई ना कोई फ़ायदा है जिसकी वजह से वो इनके साथ है, तब इस इंसान को अकल आई है कि आप वो थे जो कभी इनसे कुछ नहीं मांगे हैं, बस ये जैसे भी हैं आपको बस इनका साथ चाहिए था, और वो इंसान ऐसा है कि उस इंसान को इनसे मतलब नहीं था, हो सकता है इनके पैसों से मतलब है, इनकी प्रॉपर्टी से मतलब है, और भी कोई लालच रहा होगा जिसकी वजह से वो इनके साथ आया। तो इस चीज़ को समझने के बाद भी अब आपके पर्सन वही है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब ऐसा है गाइस कि आपका ध्यान इस रिश्ते पर नहीं रहेगा,
लेकिन आपके पर्सन का पूरा पूरा ध्यान आप ही पर रहने वाला है और अभी भी है। तो आपसे ज़्यादा आप तो आप यहाँ पर कोई काम करना नहीं चाहते, इस रिश्ते में आपने जितना करना था कर लिया, अब आपके पर्सन यहाँ पर काम करेंगे, ऐसा है। अब ये प्रयास करेंगे किसी तरह से आप इनकी लाइफ में वापस आ जाए, अभी ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अब ये इंसान तो आपको अप्रोच करेंगे गाइस, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपकी तरफ से समस्या दिखाई दे रही है, क्योंकि आप जो पास्ट में हुआ है उसकी वजह से इन पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, इनकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, और आपके मन में बहुत सारे सवाल भी रहेंगे कि कहीं ये इंसान टाइम पास करने तो नहीं आया, या फिर वही बात है कि फिर तो छोड़कर नहीं चला जाएगा। तो ये सारे सवाल आपके मन में रहेंगे, तो इसकी वजह से आपकी तरफ से थोड़ी सी समस्या दिखाई दे रही है, लेकिन बाद में वही है कि ये इंसान आपको भरोसा भी दिलाएंगे कि सब कुछ अब सही हो चुका है, अब किसी तरह से आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आप इनकी बात को मानेंगे भी, लेकिन जल्दी से विश्वास कर लेंगे ऐसा दिखाई नहीं देता। आप समय लेंगे यहाँ पर, सोच कर समझ कर ही अब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक बार आपके साथ धोखा हो चुका है। तो यहाँ पर यही दिखाई देता है गाइस कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको ये अप्रोच कर रहे हैं, कमिटमेंट भी आपको इनसे मिलने वाला है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग है आज की, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।